अब देखते हैं पेज नंबर 120 पर रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को. इन मैथमेटिक्स अ सिमेट्री डिफाइंस दैट वन शेप इज एग्जैक्टली लाइक द अदर शेप व्हेन इट इज मूव्ड, रोटेटेड और फ्लिप्ड. तो इसको हम रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं. यानी कि आप देख सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बताती है, द लाइन ऑफ सिमेट्री रेफर्स टू अ लाइन दैट डिवाइड्स अ शेप इनटू टू इक्वल पार्ट्स दैट एग्जैक्टली मैच टू ईच अदर. देयर मे बी मोर देन वन लाइन ऑफ द सिमेट्री इन अ शेप. आपके सामने कोई ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक शेप को इक्वली डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में, तो हम उसको सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. इसी तरह रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इन टू डायमेंशनल शेप्स को देखते हैं. द इमेजिनरी लाइन और द एक्सिस अलोंग विच यू फोल्ड अ फिगर टू ऑब्टेन द सिमेट्रिकल हाफ्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. व्यूअर्स, आप क्या करते हैं कि आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. आपके सामने जो ऑब्जेक्ट मौजूद है उसमें आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट या ये शेप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है या नहीं. और अगर आपकी उस इमेजिनरी लाइन से आपकी ऑब्जेक्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो आप उसको रिफ्लेक्टिव सिमेट्री यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. आपके सामने नीचे कुछ शेप्स मौजूद हैं जिनमें हमने लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ किया है और ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है इक्वल पार्ट्स में. इसी तरह पेज नंबर 121 पर आपके सामने देयर आर सम शेप्स व्हिच डू नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि दे आर नॉट इक्वल. अगर आप उसके अंदर से लाइन ऑफ सिमेट्री पास करते हैं तो ये इक्वल पार्ट्स में, इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रही. इस वजह से हम इन्हें ये कहेंगे दीज आर नॉट सिमेट्रिकल. अब देखते हैं एक्सरसाइज को. व्यूअर्स, ड्रॉ लाइन एस ऑफ द सिमेट्री फॉर ईच शेप. तो अब आपने इन तमाम शेप्स में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और फाइंड आउट करना है कि किस तरह से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल पार्ट्स में. थैंक यू. तो व्यूवर्स, ये था हमारा सर्कल का कंसेप्ट. हमने सीखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है और देखी कुछ थ्री डायमेंशनल शेप्स को. उम्मीद है आपको इन कंसेप्ट की समझ आ गई होगी. कीप वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ.